नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया, मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त जिस तरह से देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और कई जगहों पर पहले और दूसरे चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में हमारी टीम आपको लगातार चुनाव से संबंधित जानकारियों से अपडेट करा रही है और पल पल की खबरें आप तक पहुँचा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, उसका दूसरा चरण खत्म हो चुका है और तीसरे चरण की शुरुआत 20 तारीख से होनी है, जिसे लेकर आज चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जो कराया जा रहा था पार्टियों के द्वारा, वो थम चुकी है और आज शाम 6 बजे तक जितने भी प्रचार प्रसार थे उसे कराया गया, जिसके बाद कल से अब इस तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चुनाव होने वाले हैं ये 20 तारीख से उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में देखने के लिए मिलेंगे और ये जो तीसरे चरण का चुनाव होगा ये उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में होगा, जिसमें अलग पार्टी अपनी अपनी किस्मत आजमाने वाली है। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पहले चरण और दूसरे चरण में अगर बात करें तो बीजेपी और सपा एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है, वहीं कई जिलों में ऐसा भी है कि बसपा भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई लोगों की पसंद कांग्रेस भी है, ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि इन दो चरणों में कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी और कौन सी पार्टी पीछे रह जाएगी। जब तक कि पूरा चरण खत्म नहीं हो जाता है और अलग अलग जिलों के जो मतदान है केंद्र है वहाँ से पूरी जानकारी नहीं आ सकती है, ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी और कौन सी पार्टी पीछे रह जाएगी। हालांकि इस बार सभी पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है। इसमें हम देखेंगे कि तीसरे चरण में जो इन 16 जिलों में इस बार के चुनाव होने वाले हैं उसके क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। हालांकि लोगों की बात करें तो लोगों के ज़्यादातर पसंद सपा यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे में हम आपको बताएंगे अलग अलग जिलों से कि कहां पर इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, किस जिले में कितने मतदान केंद्र हैं और कहां कहां कितना मतदान हो पाया है। आज जिस तरह से प्रचार प्रसार को शाम 6 बजे तक रोक दिया गया है, कल से देखना होगा कि तीसरे जो तैयारी है वो सभी पार्टियाँ किस तरह से कर रही है। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश में एक और ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां कई वर्षों से जो विधायक थे एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अब वही विधायक अपने उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टियों का हाथ थाम रहे हैं। हमने आपको इससे भी संबंधित खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और जो तीसरा चरण का चुनाव होने वाला है उसके लिए भी अभी से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। हालांकि पहले से ही आचार संहिता लागू थी लेकिन कई जिलों पर प्रचार प्रसार के लिए छूट दी गई थी, लेकिन आज से यह प्रचार प्रसार भी नहीं होगा। आगे देखना होगा कि तीसरे चरण में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं और कौन सा पार्टी आगे बढ़ता है और कौन पार्टी पीछे रहता है।